ठंडे माहौल में देश की ऊर्जा बनाए रखने के लिए आप अपना जीवन समा रहे हैं, देश को शक्तिमान बनाने के लिए, देश को सामर्थ्यवान बनाने के लिए आप यहां रहकर के सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। ये सिर्फ धरती के किसी हिस्से की सुरक्षा नहीं है, ये 125 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा है, ये 125 करोड़ देशवासियों के सपनों की सुरक्षा है, ये 125 करोड़ देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए आपकी तपस्या है। और इसलिए आप सबके बीच आकर दिवाली के इस प्रातः वेला मैं एक बहुत खुशी की अनुभूति करता हूं। शायद हिंदुस्तान में कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां दीपावली का पर्व बड़े उमंग उत्साह के साथ न मनाया जाए। ये प्रकाश का पर्व है, अज्ञान से ज्ञान की तरफ, अंधियारे से उजाले की तरफ, ये मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन प्रकाश की एक और ताकत है, जहां प्रकाश होता है वहां मन के अंदर से भी बुरे कर्म करने की इच्छा अगर है तो कुछ पल के लिए ठहर जाती है, रुक जाती है। अंधेरा बुरा कर्म करने के लिए सबसे सुविधाजनक लगता है और प्रेरणा भी देती है, उजाला अच्छे कर्म की प्रेरणा देता है, यानी मन पर भी उजाले का एक प्रभाव। और इसलिए बुरे कर्म करने वाले अंधियारा ज्यादा, प्रकाश में अभय का वरदान, निर्भीकता का वरदान। ये अभय क्यों आता? अभय इसलिए आता कि दिया खुश जल करके प्रकाश फैलाता है। आज देश में भी अभय आपके कारण आता है कि आप अपने आप को कष्ट देकर साधारण जीवन को गालते जा रहे उस प्रकाश को फैलाते हैं जो देश में अभय का वरदान है। तो आप एक प्रकार से वो अभय के दाता जो देशवासियों को है। हमारे देश में प्रकाश का सहज सामर्थ्य भी, बहुत बुरी परिस्थिति में भी लोगों को कहीं अच्छी नजर से आ जाए तो कहते हैं आशा की किरण दिखाए, यानी प्रकाश का यहां तक जोड़ है। कभी बुरी परिस्थिति आती है तो बीमार हो गए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ घटना हो गई तो लोग कहते हैं अरे चिंता मत करो फिर सुबह हो गए। यानी हमारे यहां प्रकाश का बड़ा महत्व, और उस वक्त में दीपावली के त्योहार का भी अपने आप में एक विशेष महत्व। आज जब मैं आपके बीच आया तो मैं आपके गुरुजनों जिन्होंने आपको राष्ट्रपति के यज्ञ के अंदर आहुति देने के लिए प्रेरणा दी, आपके माता पिता जिन्होंने आपको मातृभूमि के लिए जीवन चुकाने की प्रेरणा दी, संस्कार शिक्षा, इसलिए मैं आपका अभिवादन करने के साथ आपके माता पिता को नमन करना चाहता हूं, आपके गुरुजनों को नमन करना चाहता हूं कि जिन्होंने ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया, ऐसे वीर पुत्रों को तैयार किया जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान आन बान शान के साथ गर्व करे। ऐसे वीरों के बीच दीपावली मनाना मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं अक्सर कई वर्षों जब मुख्यमंत्री था तो गुजरात की सीमाओं पर चला जाता था,
कभी बीएसएफ के जवानों के साथ, कभी फौजियों के साथ मेरा दिवाली का दिन बनता। प्रधानमंत्री बनने के बाद हर बार मैं सलाम तक पढ़ता हूं, फौजियों के बीच जाता हूं, दिवाली के आनंद में उनके साथ शरीफ होना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। आईटीबीपी के लोगों के साथ मेरा थोड़ा पुराना रिश्ता रहा है, क्योंकि जब कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई तो शुरू के वर्ष से मैं भी एक यात्री की तरह निकल गया और हमारी यात्रा में सहाय करने का काम आईटीबीपी के जवान, और मैं सचमुच में उन जवानों से इतना प्रभावित हूं। कोई न जान न पहचान और न ही उनकी ड्यूटी थी, उनकी ड्यूटी थी कंधे पर बंदूक लेकर के साथ साथ चलना, लेकिन वे हर पल यात्री की मदद करते, कभी सामान भी उठा लेते, कभी उसकी बीमारी हुई तो वो 5-10 किलोमीटर ऊपर नीचे जाना है तो 5 दिन उधर पर जाकर उसको ले आते, कभी उसको क्लाइमेट के कारण वॉमिटिंग वगैरह की समस्या होती थी, उसको क्या खाना, क्या नहीं खिलाना, क्या खिलाना, या नहीं डॉक्टर से भी बढ़कर करके भी गांव के जवान। और जब हम शाम को पहुंचते थे कि किसान को रात सुनना होता था तो मैंने देखा था कि भोले बाबा के इतने मजेदार गीत वो बच्चे गाते थे, जवान गाते थे, पूरे माहौल को बदल दिया। तो एक प्रकार से हम 40-45 दिन तक की यात्रा में आईटीबीपी के जवानों के परिवार के सदस्य बन गए, और इसलिए मेरा आईटीबीपी के साथ उस प्रकार से बड़ा विशेष नाता रहा था। बीच बीच में कभी मिलने का मौका मिलता है, आज फिर एक बार मिलने का मौका मिल रहा है, उन पुरानी यादें साझा होना बहुत स्वाभाविक है। आपने देखा होगा हिन्दुस्तान रक्षा शक्ति के क्षेत्र में निरंतर नई ऊंचाइयों को पार कर, हम धरती पर जो हमारी शक्ति है, हमारे जवान हैं, वो सामर्थ्यवान बने, उनके रोजमर्रा की जिंदगी कठिनाइयां कम कैसे हो उस पर सरकार लगातार काम कर रही है। उसके साथ साथ मेरा जवान अपनी जवानी तो देश के लिए लगा देता है, लेकिन जब यहां से निकले तब उसको कहीं अंधियारा नजर नहीं, वो और एक नए उजाले की ओर जाना चाहिए। उसके लिए जब वो सेना में है तब भी उसकी तैयारियां करवाई जाती हैं, और यहां से निकलने के बाद भी उसके लिए उचित प्रबंध के लिए व्यापक आयोजन रहता है, जिसके कारण बाकी वर्ष में क्योंकि वो सक्षम हो, उसकी उम्र तो एक प्रकार से शुरुआत हो, वहां भी उसको अच्छे अवसर मिले, अपने कैरियर के लिए अच्छे अवसर मिले, इसके लिए भी सरकार लगातार प्रबंधन करती रहे। आज मुझे बराबर याद है जब मैं पार्टी के संगठन का काम करता था, मुझे इन पहाड़ों में रहने का भी अवसर मिला, हिमाचल मेरा कार्यक्षेत्र रहा, वहां तो हर घर में फौजी होने के कारण उनसे मिलने की बात आती रहती थी। उस जमाने मैंने आपसे 30-40 साल पहले की बात, मैं हर एक से सुनता रहता था, वन रैंक वन बेंच, सुनता आता था, तब तो मुझे कोई ज्यादा समझ भी नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत एक छोटा सा कार्यकर्ता था, सारी तारीखों को जानता, सरकारों से मांगे होती थी, सरकारें आती थी, आधा खर्चती थी, जाती थी, और कभी कभी बयानबाजी भी होती रहती, लेकिन फौज के लोग डिसिप्लिन में होने के कारण कभी बात बाहर जाने नहीं देते, न्यायिक मांग होने के बाद भी वो बोलते नहीं, और जब बोलते नहीं थे तो कोई सुनता नहीं था। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में जीवन के कई अच्छे अवसरों को बिताने के कारण उस संवेदनशीलता का अनुभव करता, तो प्रधानमंत्री के बनने के बाद ये मेरा दायित्व बनता था कि वन रैंक वन पेंशन इस आपके सपनों को पूरा, लेकिन जब उसकी बारीकियों में गए तो ऐसा सब उलझा हुआ था, किसी के पास तो हिसाब नहीं था, कई
यानी कठिनाइयों के बीच यानी फाइल को निर्णय करने में मैं दिक्कत अनुभव बारिशों को पार करते 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 जब निकला तो पता मामूली काम नहीं है। पुरानी सरकार ने 500 करोड़ रुपया सौंपा और लोगों को लगता है 500 करोड़ नौ सरकार ने दी। मैं हिसाब लगाने बैठा तो 12,000 करोड़ से ऊपर हम परेशान थे। मेरा मन तो करता था मैंने फौज के लोगों से बात की, मैंने बता बुलाया उनको तो नहीं मिलते लोग, मैंने कहा मैं ये करने को तैयार लेकिन आप मेरी मदद करेंगे। उन्होंने मुझे ये भी नहीं पूछा कि मदद क्या चाहिए। उन्होंने कहा साहब आप ऐसा हमको पूछ करके शर्मिंदगी मत की, बस आप हुक्म की। तो मैंने कहा इसको 2-3-4 हिस्सों में बांटना पड़ा और मेरे फौज के जवानों ने 40 साल पुरानी मांग की उसमें भी तसू पर आना पड़े किए बिना 3-4 टुकड़ों में देंगे तो भी मंजूर है, लेकिन आप करते हैं यही बहुत बात है। उसको कर दिया और आज मुझे खुशी है कि 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम ऑलरेडी हमारे फौजी परिवार को वन रैंक वन पेंशन हो गए। भारत सशक्त होना चाहिए, हमारे फौज के हाथ में दुनिया का सबसे अच्छे संसाधन होने चाहिए, वो कभी पीछे नहीं होना चाहिए। लड़ाई के अंदर उसके अंदर वो सामर्थ्य होना चाहिए, कभी कभी साधन हाथ में होने से भी आत्मविश्वास बढ़ जाता है और कभी वो दुनिया की चीजें सुनता है तो उसको लगता है अरे इनके पास ये तो हम कहते ये ठीक है। हमारे फौजियों का व्यक्ति रूप से हमारे फौजी अगर पीसकीपिंग फोर्स में हमारे लोग जाते हैं पूरे दुनिया में नाम कमा गया, उनके सामर्थ्य के कारण उनके संस्कार के कारण आज पूरे विश्व में पीसकीपिंग फोर्स में हमारे यूनिफॉर्म फोर्स के जो भी लोग जाते हैं पूरे विश्व में उसकी तारीफ होती अधिक संख्या में जाते हैं। और उसका मूल कारण हमारी डिसिप्लिन है, हमारी साधना है, हमारे संस्कार भारतीय परंपरा के मूल्य जो हमारा फौजी जहां भी जाता है उसको प्रकट करता है। यूनिफॉर्म वाला व्यक्ति जहां जाता है उसको प्रकट करता है और देश उनके कारण इतना गर्व अनुभव होता है। विश्व के जिन दोस्त के लोगों से मेरा मिलना होता है जिनका पीसकीपिंग फोर्स से संबंध आया है वो पहला काम आपकी तारीफ करते हैं और मैं गर्व से समा नहीं रहता हूं, इतना मुझे आनंद होता है। उसी प्रकार से सामर्थ्यवान फौज के साथ आधुनिक संसाधन आपने देखा होगा धनतेरस के दिन दिवाली का पर्व जब प्रारंभ होता है 2 दिन पूर्व एक बहुत बड़ा काम बहुत बड़ा एचीवमेंट हमारे देश से न्यूक्लियर के क्षेत्र में हमने जल फल न तीनों में महारत था। अब दुनिया के 4-5-6 देशों में आज भारत ने भी अपना नाम अंकित कर उस सामर्थ्य तक हम पहुंच गए। स्पेस हो, सी हो, जल हो, नभ हो, थल हो, हमारी सेना का सामर्थ्य बढ़ता चले, पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ते चले, राष्ट्र रक्षा करते चले, इसी एक भावना के साथ मैं फिर एक बार दीपावली के पावन पर्व पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके परिवारजनों को भी मेरी तरफ से दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ, आपके यार दोस्तों को भी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ फिर एक बार मेरे लिए गर्व की बात है कि आपके बीच आकर के आईटीबीपी के जवानों के साथ फौज के जवानों के साथ मुझे दीपावली का पर्व मनाने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।